हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स की। और जो पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है मैथमेटिकल्स टूल्स की बात करेंगे, और जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। इन दोनों ही टॉपिक को जानना जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे जो फर्दर आप स्टडी करेंगे तो उसमें जो है ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी तो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। या अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन की बात करनी है तो हम डिफरेंशिएशन के थ्रू से कैलकुलेट करते हैं। आप सबको वेलोसिटी के बारे में पता है, वेलोसिटी को हम लिखते हैं कि ds अपॉन dt, कुछ इस तरीके से वेलोसिटी को लिखते हैं, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv अपॉन dt। तो ये ds अपॉन dt और dv अपॉन dt क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हम dv, ये जो d अपॉन dt की बात कर रहे हैं, या यहां पर ds अपॉन dt की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज के बारे में आप समझें कि जब हम बड़े चेंज की बात करते हैं कि एक क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शन से, डेल्टा इसे हम कहते हैं। तो अगर हम लिखें डेल्टा x तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वांटिटी में चेंज, x में चेंज, और ये चेंज कैसा है, बड़ा चेंज है, ठीक है। अगर मैं लिखूं डेल्टा y इसका मतलब हुआ चेंज इन y। अगर कोई चीज एक से लेके दो तक जा रही है तो उसमें डिफरेंस कितना हो गया, अगर एक पॉइंट वन से टू तक कोई चीज जा रही है तो उसमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो वन का डिफरेंस आ रहा है, ये एक लार्ज डिफरेंस है। वहीं अगर हम डिफरेंस की बात करें, बहुत छोटे डिफरेंस की बात करें, जैसे 0.001 के अराउंड जो है हम बात करें, तो ये एक छोटा चेंज हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी में। इस छोटे चेंज को हम डेल्टा से ना लिख के हम बात करते हैं डी से लिखते हैं उसे, डी एक्स, यानी कि ये स्मॉल चेंज इन एक्स हो गया। या मैं बात करूं डी वाई तो यानी कि ये हो गया स्मॉल चेंज इन वाई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं ये चीज लिखूं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो y क्वांटिटी है दैट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। ये हम कर रहे हैं डेल्टा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हम बड़े चेंज की बात कर रहे हैं और चेंज जो है वो y में हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में ये क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब ये बात करते हैं डिफरेंशिएशन पे आ जाएं, तो इसको लिखने का जो है नोटेशन आपको पता चल गया, हम d क्या लिख रहे हैं, d क्यों लिख रहे हैं, या डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन की बात हम कुछ ऐसे समझें कि आपके पास एक ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ है आपका। तो यहां पर आप जो है स्लोप अगर बात करें तो स्लोप हम क्या कहते हैं, स्लोप हमारा क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस टेन थीटा हमारा कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप अगर मैं निकालूं तो y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, और वो क्या हो जाएगा तुम्हारा y अपॉन x। या फिर हम यहाँ पर जो है निकालने का हमारे पास तरीका है कि आप दो पॉइंट जो है ग्राफ पर ले लीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, तो y ये जो आपका y जो होगा अपॉन x जो निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप स्लोप निकाल सकते हैं, ये स्लोप अगर आप देखें इस पॉइंट पर निकालें या इस पॉइंट पर निकालें तो हर जगह जो आपका एंगल होगा थीटा होगा, तो यहां पर 10 थीटा, यानी कि आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट स्लोप निकल के आ रहा है। अगर आपके पास एक कर्व है जो यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो ये यूनिफॉर्म कर्व नहीं है, तो अब इसका मैं स्लोप निकालूं। स्लोप निकालने के लिए जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, दिस इज योर पी पॉइंट एंड दैट इज एक्स कॉमा वाई, और एक पॉइंट ले लिया यहां पर इस ग्राफ पे क्यू पॉइंट जो कि हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। जैसे इन दोनों को ज्वाइन करें पॉइंट को, ये आपके पास इन दोनों के बीच में एक लाइन आ गई, इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं। यहां देखें इन दोनों को ज्वाइन किया, दिस इज योर डेल्टा वाई एंड दिस इज योर डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स में इंक्रीमेंट हो गया तो क्यू पॉइंट पे एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हो गया, वाई में डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट हुआ तो क्यू पॉइंट आपका आ गया वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। इसके अगर मैं टेस्ट स्लोप की बात करूं, यानी टेन थीटा जो निकल के आएगा, टेन थीटा इसका क्या निकल के आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और डेल्टा वाई क्या लिख सकते हैं आप, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई
अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज योर स्लोप फॉर दिस लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। अगर आपका पॉइंट क्यू जो है वो अप्रोच कर रहा है पी की तरफ, यानी कि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है और डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका पी पॉइंट क्यू पॉइंट जो है वो पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब ये क्यू की तरफ पी की तरफ जा रहे हैं, यही मतलब हुआ इसका। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें इसको, यहां से देखें कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। यहां पर अगर पी पॉइंट पर और मैं देखूं, ये आपका पी पॉइंट था, दैट इज एक्स कॉमा वाई, क्यू जो है पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है यहां पर जो लाइन थी, इन दोनों के बीच में लाइन थी, दैट विल बिकम टेंजेंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो है टेंजेंट बन गई इस कर्व के ऊपर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। अब आप इसका जो है स्लोप निकाल रहे हैं, तो स्लोप क्या निकल के आएगा, लेट इट बी एम, और वो क्या हो गया आपका कि जो लिमिट है अगर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही तो हो गया आपका, ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डेट विल बिकम y प्लस डेल्टा वाई माइनस लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो y अपॉन डेल्टा x, और इसी को हम लिख देते हैं dy अपॉन dx, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये हमारा कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि तो डेट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि डेरिवेटिव इज जस्ट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व। हम इसको कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट द, तो डेरिवेटिव को हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन द कर्व। ये आपका जो है डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो गया कि डेरिवेटिव है क्या, कि वो रिप्रेजेंट करता है एक कर्व जो है उसके उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होता है वो आपका डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, इसकी डिटेल मैथमेटिक्स में है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और उन फॉर्मूले के बेसिस पर जो है आपके जो सवाल हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।